सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूं अमेजन ऐप से सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से ईएमआई पे मोबाइल कैसे ऑर्डर करेंगे, मोबाइल कैसे खरीदेंगे। अगर आपके पास भी कोई ईएमआई कार्ड नहीं है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बजाज फिंसर, और आपको भी ज़रूरत है एक स्मार्टफोन की, मोबाइल फ़ोन की, लेकिन आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से अमेजन ऐप से ईएमआई पे मोबाइल कैसे खरीदेंगे। और मैं आपको अभी परचेज करके भी दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जो भी स्मार्टफोन खरीदना है, जो भी गेज यहाँ पर खरीदना है, आप गेज यहाँ पे उसे सर्च कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी ख़रीदना है, तो मैं गेज यहाँ पे एक रियलमी का मैं गेज यहाँ पे फ़ोन ख़रीदने वाला हूँ, जो कि गेज यहाँ पे रियलमी P2 है, जो कि गेज यहाँ पे देखने में काफ़ी गेज यहाँ पे शानदार है, यहाँ पे डिजाइन है, मॉडल है। और यहाँ पे देखेंगे मैं गेज यहाँ पे इसी फ़ोन को मैं यहाँ पे EMI पे परचेज करने वाला हूँ। अगर आप गेज यहाँ पे EMI पे लेना चाहते हो भी सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है। तो क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे इस फ़ोन का गाइस यहाँ पे जो प्राइस है 30,999 रुपये, लेकिन मैं गाइस यहाँ पे ये वाला लूँगा यहाँ पे 25,000 वाला, जिसका गाइस यहाँ पे प्राइस है 24,999 रुपये। सिंपल गाइस यहाँ पे आपको करना है क्या कि गाइस यहाँ पे आपको EMI पे लेना है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑल EMI प्लान का। तो सिंपल आपको इसमें जाना है। जैसे आप इसमें एंटर करेंगे, इसमें गाइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस गाइस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे और सारे कई सारे दिखेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आधार कार्ड की हेल्प से। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसका नाम है अमेजन पे लेटर। तो सिंपल आपको गाइस यहाँ पे अमेजन पे लेटर में आना है। गाइस यहाँ पे अगर आप के पास कोई भी गाइस यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बजाज फिंसर नहीं है, तो आप गाइस यहाँ पे अमेजन पे लेटर से सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से EMI पे मोबाइल को खरीद पाएंगे। तो उसके लिए गाइस आपको करना है क्या होगा, जैसे गाइस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अमेजन एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको यूओ वाला ऑप्शन दिखेगा, इसमें सिंपल जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा योर अकाउंट वाला सेक्शन। सिंपल आप इसमें आएंगे, इसमें आने के बाद थोड़ा सा गाइस यहाँ पे आप ऊपर एक स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अमेजन पे लेटर। तो सिंपल आप इसमें आएंगे, जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो आपके सामने गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो गाइस यहाँ पे अमेजन पे लेटर को एक्टिवेट करके रखा हुआ है, और मेरा जो गाइस यहाँ पे लिमिट है वो 25,000 रुपये का है, और मैं यहाँ पे जो है फुल में गाइस यहाँ पे वीडियो KYC करूँगा, तो मेरा जो गाइस यहाँ पे लिमिट इंक्रीज करके गाइस यहाँ पे 60,000 कर दिया जाएगा। तो आपको गाइस यहाँ पे सबसे पहले YouTube पे सर्च करना है कि अमेजन पे लेटर कैसे एक्टिवेट करें। आपको सबसे पहले अमेजन पे लेटर को एक्टिवेट कर लेना है, जैसे कि मैंने जो है गाइस यहाँ पे अमेजन पे लेटर को एक्टिवेट करके रखा हुआ है, जिससे कि गाइस आपको एक्टिवेट करने में सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से आप अमेजन पे लेटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमेजन पे लेटर से EMI पे मोबाइल फ़ोन को खरीद पाएंगे। तो चलिए अब आपको इस वीडियो में ऑर्डर करके दिखाते हैं कि गाइस आप कैसे यहाँ पे जो है अमेजन पे लेटर से आप गाइस यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को ऑर्डर कर पाएंगे। तो मैं गाइस यहाँ पे इसी फ़ोन को मैं गाइस यहाँ पे परचेज करने वाला था, जो कि प्राइस इसका है 25,000 रुपये, और मेरा गाइस यहाँ पे लिमिट भी 25,000 रुपये का है। सिंपल गाइस आपको इसमें जाना है। उससे पहले गाइस आपको यहाँ पे करना है क्या कि गाइस यहाँ पे आपको ऑल EMI गाइस यहाँ प्लान के ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजन पे लेटर, सिंपल इसमें आएंगे। इसमें गाइस यहाँ पे 9 महीने का और गाइस आपको 12 महीने का आपको EMI मिलता है, और आपको इसमें 24% का गाइस आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे रूल होता है गाइस यहाँ पे अमेजन पे लेटर से आप EMI पे लेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे मैं आपको इस फ़ोन को मैं यहाँ पे ऑर्डर करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि गाइस ये फ़ोन मेरा गाइस यहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है मेरा गाइस यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा हो गया। तो मैं गाइस यहाँ पे इस वाले फ़ोन को मैं यहाँ पे ऑर्डर करके दिखाता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरा 25,000 लिमिट है, उसका प्राइस 27,000 पहुँच जा रहा है। तो इसमें गाइस यहाँ पे देखते हैं गाइस यहाँ पे ऑल EMI गाइस यहाँ पे प्लान वाले सेक्शन में
जैसे गाइस यहाँ पे जाएंगे तो इसमें भी आपको 24% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो मैं गाइस आपको चलिए मैं यहाँ पे आपको इस फ़ोन को मैं यहाँ पे ऑर्डर करके दिखाता हूँ। इसमें आपको जो है 2000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। मैं गाइस यहाँ पे 2000 का डिस्काउंट भी अप्लाई कर लिया। सिंपल आपको बाय नाउ में जाना है। जैसे कि मैंने गाइस यहाँ पे बाय नाउ वाले सेक्शन में मैंने गाइस यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे बाय नाउ के सेक्शन में आने के बाद मैं गाइस यहाँ पे लेने वाला हूँ अमेजन पे लेटर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अमेजन पे लेटर। सिंपल आपको इसमें एंटर करना है और यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे EMI के सेलेक्ट करना है। तो मैं जो हूँ गाइस यहाँ पे 6 मंथ का ही मैं लूँगा। सिंपल यहाँ पे आपको जो है चूज EMI प्लान में आपको जाना है और यहाँ पे मेरा 6 मंथ का प्लान हो गया और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप गाइस यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो मेरा गाइस यहाँ पे देखिए आ चुका है। मेरा गाइस यहाँ इस फ़ोन गाइस यहाँ पे जो प्राइस था 16,998 रुपये और मेरा इसमें 2000 डिस्काउंट हो गया। साथ ही मेरा इसमें गाइस यहाँ पे 837 रुपये मेरा जो गाइस यहाँ पे नो कॉस्ट EMI भी अप्लाई हो गया और इस फ़ोन गाइस यहाँ पे टोटल गाइस यहाँ पे प्राइस हो गया 14,160 रुपये और इसमें मुझे 837 रुपये मुझे चार्ज देना पड़ेगा और यहाँ पे मेरा पेमेंट हो गया 14,998 रुपये और यहाँ पे मुझे 6 मंथ का EMI देना है 2,499 रुपये करके। सिंपल गाइस आपको यहाँ पे करना है क्या कि यहाँ पे आपको जो गाइस यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर पे जाना है और आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से अमेजन से EMI पे मोबाइल को खरीद पाएंगे। यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।